Bismillahirrahmanirrahim. This is online teaching of English compulsory first year, lecture number eight, and it's part four, where we are still discussing uh, the play Progress. So let's connect uh, from the previous lecture, and we on page number two hundred and fifteen. Mrs. Meldon was telling. Um, her brother about her life from the beginning when she got married to uh, tom who uh, who is now dead and also uh, she talks about uh, being a mother of a boy and what were her fears uh, how she felt at that time so this is what we were discussing page number So uh, Pandra 215 Uh, अगर आप देखें लास्ट फोर फाइव लाइन्स एंड देन यू हैव टू हाईलाइट इट आई वॉज फ्राइट इन टू समाइम्स बिकॉज आई थॉट आई माई डाई एंड नेवर नो माई सन हु वुड ग्रो अप एंड हैव नो नॉलेज ऑफ मी एक मदर के जितने भी फियर्स हैं वो हमें पता चलते हैं थ्रू मिसिज मेल्डन एंड देन शी सेज एंड देन ही वॉज बॉर्न सच अ लिटल डियर क्लचिंग चाइल्ड सो टेरिबली डिपेंडेंट ऑन मी और जिस तरह से उसके बारे में वो याद करती है कि कैसे वो हर वक्त उसके साथ साथ उसके पीछे पीछे फिरता रहता था और कितना ज़्यादा डिपेंडेंट था उसके ऊपर टॉम वॉज वेरी प्लीज एंड प्राउड बट नेवर सो प्लीज्ड एंड प्राउड एज़ आई वॉज तो जाहिर है माँ की एक अपनी खुशी होती है माँ की एक अपनी अपना एक फ़खर होता है तो Uh, वो कहती कि मेरे हस्बैंड ज़रूर प्राउड थे या खुश थे लेकिन मुझसे ज़्यादा कोई भी खुश नहीं हो सकता था जब मेरा बेटा पैदा हुआ वी बोथ ना पेज नंबर टू सिक्सटीन वी बोथ वॉश्ड हिम ग्रो यू नो हाउ हैंडसम ही वॉज अब देखिए इसके अंदर एक बहुत दुख की भी अगर आपको एहसास हो कि किस तरह से वो अपने बेटे को जब याद करती है जो ज़िंदगी थी जिस तरह से एक नॉर्मल इंसान की ज़िंदगी होती है कि बच्चों को पैदा होते हुए या उनके बाद उनसे जो उम्मीदें होती हैं या जो ख्वाब होते हैं या उनको बड़ा होता देखने का शौक़ होता है वो दोनों मियाँ बीवी इसी तरह से अपने बेटे के बारे में इस तरह के ख्वाब देखा करते थे एंड कॉरी यॉज अ गुड लुकिंग लैट अब आप वो कहते हैं कि हाँ हाँ अच्छा ही लड़का था देखने में मिसिज़ मेल्टन एंड वी मेड प्लान फॉर हिम देखें इसी तरह से माँ बाप की तो सारी ज़िंदगी फिर बच्चों के गिरदी घूमती है he was to be great and liked people did like him uh, even you liked him Henry didn't you कहते हैं वो इतना अच्छा लड़का था किस तरह से लोग उसको पसंद भी करते थे uh, तुम भी उसको पसंद करते थे Henry क्या तुम नहीं करते थे अच्छा ये जो इस तरह से होता है ना कि didn't you aren't you जो aakhir में हम question के aakhir में uh, एक इस तरह से लगाते हैं confirmation के लिए जैसे है कि विल यू गो टू स्कूल वॉन्ट यू ठीक है जिस तरह अगर प्रेजेंट सॉरी uh, अगर uh, पॉजिटिव में है क्वेश्चन तो उसका जो ये वाला हिस्सा होगा ये नेगेटिव में होगा और अगर वो नेगेटिव में है तो ये पॉजिटिव में होगा तो इसको बेसिकली जो आखिर में लगाते हैं इसको कहते हैं टैग क्वेश्चन टैग क्वेश्चन का मतलब ये है कि एक टैग यानी उसमें साथ अटैच करते हैं ठीक है सो so, ये बेसिकली होता है कन्फर्मेशन किसी चीज़ की कन्फर्मेशन लेनी हो तो आप इस तरह से कहते हैं ठीक है तो इस तरह वो कहता है कि इवन यू लाइक हिम हेनरी डिडेंट यू ठीक है तो यही ये, ये पता तो होता है लेकिन इसी तरह से आप कन्फर्मेशन के लिए बात करते हैं कॉरी यस आई आई लाइक हिम ही वॉज एन अट्रैक्टिव बॉय बट डोंट यू थिंक देखिए अभी इसी तरह से वो बार बार उससे पूछ रही होती है और वो उसको अब उसके भाई को ये सब्जेक्ट इतना पसंद नहीं होता कि हर वक्त बस इसी तरह की बातें करते रहे वो अपनी इन्वेंशन के बारे में बात करना चाहता है थोड़ी और तरह की चीज़ों की बात करता है रिलेशन से हट के दूर दूसरी तरह की चीज़ों की बात करना चाहता है मिसेस मेल्डन एंड देन ही वाज इल और फिर वो बीमार हुआ एक दफ़ा यू रिमेंबर हाउ वी ऑल थॉट दैट ही वुड डाई एंड टॉम फोर टॉम हु नेवर कुड एक्सप्रेस हिमसेल्फ वेरी एप्टली यानी वेरी राइटली वेंट अबाउट एज इफ ही वर स्टंड अच्छा वो वो वाला टाइम भी याद करती है कि जब एक दफ़ा उसका बेटा बीमार हो गया उसके और उसका हस्बैंड उन दोनों को बिल्कुल ऐसे लगा जैसे कि वो तो मर जाएगा और टॉम का मतलब कि उसको अपने हस्बैंड का नाम लेके कहती है कि बेचारा टॉम हु नैवर कुड एक्सप्रेस जो कि अपने आप को अच्छे तरीके से इजहार भी अपने जज्बात का नहीं कर सकता था सही तरीके से और वो बिल्कुल ऐसे हो गया जैसे कि स्टंड होता शॉक्ड यानी कि उसको तो समझ ही नहीं आ रही थी वो क्या करे आई कान टेल यू वट आई थॉट देन हैनरी आई जस्ट कान टेल यू बट ओह आई प्रेट फॉर हिम हैंनरी प्रेर फॉर हिम सो दैट माई होल माइंड वॉज अ प्रेयर अब जाहिर एक मदर है उसकी फीलिंग्स हैं तो उसका बच्चा जब बीमार हो और इतना बीमार हो कि लगे कि बचेगा नहीं तो ज़ाहिर है उसकी पूरा जो वजूद है वो दुआ बन जाता है तो कहती कि मैं मुझे समझ नहीं आ रही थी मुझे सिर्फ ये पता था कि बस मुझे दुआ करनी है और मेरे दिमाग में सिर्फ दुआ ही दुआ थी वेल ही गॉट बेटर एंड सीम टू ग्रो स्ट्रोंगर एंड एट स्कूल ही डिड वेरी वेल आई कैन सी नाउ द फर्स्ट टाइम ही प्लेड इन अ क्रिकेट मैच वेरी प्लीज विद हिज ब्लेजर एंड हाउ एक्साइटेड ही वॉज़ मैनी केम टू टेल मी दैट ही हैड मेड टेन रन अच्छा अब ये छोटी छोटी बातें बच्चे की याद करी है अब अब ये वो याद करी है कि कैसे फर्स्ट टाइम वो आ, क्रिकेट मैच अब उसने खेला तो उसको जब उसका कोट ब्लेजर का मतलब होता है कोट उसको जब उसका कोट दिया तो कितना खुश था कितना एक्साइट था वो जब उसको मैंने ये बताया जब उसने हमें ये बताया कि उसने दस रन्स बनाए हैं क्रिकेट मैच में क्रिकेट मैच वैसे भी इंग्लैंड का या ब्रिटेन का एक कौमी खेल है जिसको हम नेशनल गेम कहते हैं नेशनल स्पोर्ट्स है ठीक है टेन रन्स ही मेट माई लिटल सन इन इज फर्स्ट क्रिकेट मैच इसको मैंने हाईलाइट नहीं किया बिक्र आप एम सी क्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से इसको हाईलाइट कर दें कि फर्स्ट टाइम वेन देर वॉज द क्रिकेट मैच हाउ मैनी रन्स डिड ही मेक इट वॉज टेन रन्स ऑल दी अदर बॉयज ऑफ हिस एज वर वेरी रिस्पेक्टफुल टू हिम एंड आई वॉज सो ग्लैड वेन ही लेट मी वॉक अबाउट विद हिम जस्ट एज एफ ही हैड एंड हैड ए ट्राइम्फ तो कहते हैं कि वो इतना डाउन टू अर्थ था कि मैं जब उसके साथ वॉक की तो उसको कोई नखरा इस पर नहीं था कोई उसको इससे कोई उसने आ, एक होता है ना कि शो ऑफ करते हैं वो नहीं किया कि जस्ट एज एफ ही हैड एंड हैड अ ट्राइम ट्राइम का मतलब होता है सक्सेस एंड ठॉम वॉज फ्राइटफुली प्लीज टू वो जो तो नहीं डर डर के खुश होता है कि नजर ना लग जाए इस टाइप वाला तो फ्राइटफुली का मतलब ये होता है कि जो वैसे तो इसके दो मतलब हो सकते हैं एक मतलब तो ये कि बहुत ही ज़्यादा बहुत ज़्यादा हद तक वो खुश था और एक होता है कि इस खुश भी था और साथ साथ ये कि उसको कुछ हो ना जाए एंड गेव हिम अ सॉवरन सॉवरन का मतलब है कॉइन यानी जिसके ऊपर सॉवरन वैसे होता है जिसके ऊपर किसी बादशाह या उसकी तस्वीर बनी हुई तो बेसिकली ये बात करें सिक्के की तो उसको उसने एक एक कॉइन दिया

उसने एक खोला एक सिलसिला तो अब वो एक के बाद दूसरी बात दूसरी बात तीसरी बात अच्छा वो राइटर क्यों ये सब कुछ करवाना चाहता है वो क्यों ये सब कुछ बताना चाहता है वो इसलिए बताना चाहता है कि देखो एक जब आप किसी से उसका बच्चा छीन लेते हैं चाहे वो जंग के नाम पर हो या किसी तरह से भी तो उस फैमिली पे क्या गुजरती है अगर हम वॉर के हॉरर्स को देखें कि किस तरह से वो जिंदगियां फैमिलीज़ ख़ानदान रिश्ते सब कुछ उजाड़ देती है तो शायद हम इस तरह के इस तरह के हालात ही ना बनाएं तो देखा जाए तो जो मिसेस कॉरी सॉरी मिसेस मेल्डन हैं वो किस तरीके से जिस अभी तक उस गम से बाहर नहीं निकल सकी और वो कभी भी नहीं निकल सकेंगी इसी तरह से जितनी और माएँ जितने और आ, जिनके बच्चे जो हैं वॉर में चले जाते हैं जंगों में चले जाते हैं तो उस फैमिलीज़ के ऊपर क्या गुज़रती है तो ये बेसिकली उसका भी आइडिया देने के लिए हमें बहुत ज़्यादा रेपिटेशन uh, है बहुत सी चीज़ों की सो ही हैडन बिन एंड ऑक्सफर्ड लॉन्ग वॉर बिगैन अच्छा अभी वो वो मुश्किल से अभी कॉलेज में मुश्किल से ही पहुँचा था कि द वॉर बिगैन एंड देन ही वेंट ऑफ एंड एन लिस्टेड और उसको शौक था वो चला गया और उसने अपना आपको लिस्ट में डुलवा दिया अंडरलाइन यू डिडेंट नो वैदर टू बी प्राउड ऑफ हिम और टू बी एंग्री विद हम क्योंकि उस माँ बाप से पूछे बगैर उसने जाके अपना नाम लिखवाया जैसे हर बच्चे को शौक़ होता है आर्मी में जाने का थोड़ा जज्बा होता है इस तरह से तो वो खुद भी गया तो कहते हमें ये समझ नहीं आई कि हमें उस पर फ़्र होना चाहिए था या उसे गुस्सा होना चाहिए था कि उसने हमसे नहीं बताया हमें उसने हमें बताया नहीं बट चीफली वी वर प्राउड आई लव हिम इन हिज क्लमसी यूनिफॉर्म कहते कि मुझे कहते वैसे तो हम बच्चे का बच्चा खुश था तो हम भी खुश थे तो मुझे अच्छा लगता था जब वो अपना क्लमसी का मतलब वैसे होता है रफ़ यूनिफॉर्म एंड हिस्स ग्रेट रफ बूट्स जस्ट एज़ मच एज आई लव हिम लेटर ऑन इन यूनिफाम ऑफिसर्स यूनिफाम कहते मुझे तो उसके हर तरह से वो अच्छा लगता था अपने वो रफ से कपड़ों में भी और बाद में जो उसने ऑफिसर्स का यूनिफार्म पहना उस में भी एंड वन ई वेंट ऑफ टू फ्रांस ट्राई टू बी वर्दी ऑफ वेंट ऑफ टू फ्रांस ट्राई टू बी वर्दी ऑफ माई सान एंड नॉट टू क्राई कहते वो फिर फ्रांस चला गया बाद में uh, किसी मिशन के ऊपर तो तब भी मैंने uh, मैं नहीं रोई क्योंकि मेरे बेटे की ख्वाहिश थी इट्स फ्राइटफुली हार्ड टू स्माइल हैंनरी बट आई डिट स्माइल कहते हैं कि उसकी दूरी की वजह से मैं uh, फिर स्माइल भी नहीं कर सकती थी लेकिन फिर मुझे करना भी था आई फेल्ट दैट वॉज वट एडी वुड विश मी टू डू नॉट टू शेम हिम बिफोर दी अदर पीपल एंड सो आई स्माइल्ड एंड मेड अ लिटल सिली जोक अबाउट द फियर ऑफ द जर्मन एन दर्ट ऑफ हिस अराइवल तो कहते हैं कि मुझे कोई पसंद नहीं था कि वो फ्रांस जाता और वहाँ पे कोई उसकी वहाँ पे कोई इसका कोई मिशन होता लेकिन सिर्फ इस वजह से कि उसको बुरा ना लगे और जो उसकी ख्वाहिश थी मैंने पूरी की और फिर मैंने छोटे चोट छोटे जर्मन्स के बारे में जोक्स भी बनाए कोई लतीफ़े बनाए कि वो किस तरह से उसके आने का जब सोचेंगे या सुनेंगे तो क्या कहेंगे तो मैंने कुछ छोटे छोटे लतीफ़े भी उस तरह से बना लिए बट आई वॉज इन टेरर हैंनरी लेकिन थ्रू आउट देखिए माँ का दिल तो हर वक्त डरता ही रहता है टेरर का मतलब है कि एक्सट्रीम फियर कि मुझे इतना ज़्यादा डर भी था क्योंकि किसी वक्त भी तो आपको पता है जो जो फौज में चले जाते हैं तो स्पेशली जब जंग के हालात में तो कोई सा दिन भी ऐसा आ सकता है जिसमें कोई ख़बर आ सकती है एंड ऑल द टाइम दैट ही वॉज़ अवे आई वॉज इन टेरर ज़ाहिर यही होता है जब घर से दूर जाते हैं स्पेशली जब पता होता है कि जंग के लिए गए हैं तो कोई भी टाइम ऐसा हो सकता है जिसमें कोई बुरी खबर आ सकती है द साइट ऑफ अ टेलीग्राफ मैसेंजर मेड माई हार्ट सिंग अच्छा उस ज़माने में टेलीग्राफ जैसे आजकल आप समझ लें ई मेल होती है या इस तरह से तो टेलीग्राफ ऐसी एक तरीका था डाक डाक भेजने का जिसमें तेज से मैसेज भेजा जाता था और वॉर के दिनों में ना सेंसरशिप भी बहुत होती है कि कुछ मैसेज हर तरह का मैसेज नहीं पहुंच सकता ज़रूरी मैसेज पहुंचता है सिर्फ कहते हैं जब भी कोई टेलीग्राफ कहीं से आता तो मेरा दिल बैठ जाता कि पता नहीं क्या ख़बर होगी एंड देन ही केम होम ऑन हिज फर्स्ट लीव एंड माई लिटल सन वॉजन माई लिटल सन एनी मोर बट स्ट्रेंजली ग्रोन मैन अब माँ तो अपने हिसाब से देख रही कहते जब वो मेरा जो वापस घर आया पहली दफ़ा जब उसकी छुट्टी हुई तो लेकिन वो उस वक्त तक बदल चुका था वो वो तो था ही नहीं जिसको मैंने भेजा था ज़ाहिर अब व ट्रेनिंग्स होती हैं वहाँ पर वहां पर डिफरेंट किस्म के आपको टास्क तो वहां पर आप छोटे तो रहते नहीं वैसे भी एज में भी ग्रो करते हैं और बहुत सी चीजों को जानने के प्रोसेस में जो आपको स्ट्रगल्स करनी होती है उसमें भी आप ग्रो करते हैं तो कहते हैं बट स्ट्रेंजली ग्रोन मैन लेकिन वो एक अजीब से तरीका से जैसे आप कहते हैं ना एक ग्रोन अप मैन बन चुका था यंग टू लुक एट देखने में तो यंग बट फुल ऑफ एक्स्ट्रा एक्स्ट्राऑर्डनरी नॉलेज यानी कि उसके पास अब जंग से रिलेटेड जो मालूम होती हैं या इस तरह कह सकते हैं आप कि अब वो इनोसेंट नहीं रहा था उसके पास और तरह की अब मालूम भी थी सो आई फेल्ट शाई विद हिम अब ज़ाहिर है माँ को थोड़ी सी झिझक होगी कि अब इसके साथ हर तरह की मैं बात ही नहीं कर सकती वैसे भी इतने अरसे बाद कोई घर आए बच्चों में से ही तो थोड़ा सा पेरेंट्स को हो जाता है कोई झिझक में आ जाते हैं ही हैड सीन सो मच एंड न्यू सो मच मचाह जब जंग पे गए या इधर उधर चीज़ें देखी कहीं तो अब उसके पास सिर्फ ये नहीं था कि पहले छोटी सी दुनिया घर की थी अब उसके पास एक पूरी दुनिया थी जो उसने देख ली थी

मिजरेबल का मतलब है कि सैड या उसके बारे में सोचते हुए मैं हार्डली मैं सोचती थी जब वो छुट्टी पर आया बिकॉज़ इट वुड सून बी ओवर एंड वेन ही वेंट बैक ऑल दो आई क्राइड अ लिटल वेन ही वॉज लुकिंग आई डोट माइंड एज सो एज मच आई थॉट आई शुड बिकॉज आई पर्स वे माई सेल्फ टू बिलीव दैट ही वुडेंट बी किल्ड ऐसा होता है ना कि हम लोगों को ऐसे लगता है कि जैसे वो जो औरों के साथ होता है वो हमारे साथ नहीं होगा मैं ये मौत के बारे में बात कर रही हूँ या इस तरह की कोई बुरा वाक़ तो हमें लगता है कि ये वाक़ हमारे साथ नहीं हो सकता तो कहते हैं कि जब वो जा रहा था तो मैंने अपने आप को अपरसुएड का मतलब है मैंने अपने आप को कन्विंस किया अपने आप को बताया कि कि वो कभी भी जंग में मारा नहीं जाएगा वन ही हैड ए सेकेंड लीव एंड वॉज अ कैप्टन ये भी आपने हाईलाइट करना है कि सेकेंड लीव के दौरान एम में कि उसका क्या अहदा था तो ही वॉज अ कैप्टन I was sure that he would come home to me, quite safe. Even Tom, who had always felt we should lose him, began to believe that he would come home again. कहते हैं कि उस जंग के दौरान हमें ये लगा कि वो अब उसे कुछ होगा नहीं हालांकि टॉम का ख्याल था कि इतनी ज़्यादा जंग में और लोग फौत हो रहे हैं तो कोई दिन ऐसा हो सकता है कि इसकी खबर आए लेकिन somehow कहते हैं कि हमें ये बिलीव होने लग गया कि वो फिर वापस आएगा घर लेकिन फिर क्या हुआ अटी डेड लेकिन फिर वो घर वापस नहीं आया इमीजिएटली वन ही गॉट बैक टू फ्रांस ही हैड टू गो इन टू द लाइन अब ये देखे वो फ्रांस में उसकी जो थी वो यूनिट थी उस वक्त मतलब गई हुई थी तो वहाँ पर जब वो वापस गया और जब वो लाइन में वापस गया यानी जहाँ पर ये सारे फौजी थे एंड एट डेज लेटर ही वॉज किल्ड जस्ट अब एल जी यू से अब देखिए जो आप कहते हैं ना ऑबलेटरेट तो ये एक साइंस की ज़ुबान में आप कह सकते हैं कि जब चीज़ मंजर आम से ग़ायब हो जाती है लेकिन एक माँ के लिए ग़ायब होना कोई इतनी आम बात नहीं है कि वो ये कहे कि माई सन इज़ ऑब या वाइपड आउट फ्राम दी ये ये तो एक बहुत क्रूअल किस्म की बात है ना तो उसके लिए तो वो एक हमेशा से एक याद रहेगा हमेशा से उसको एक आ, उसके बारे में वो सोचती रहेगी सो एज़ यू से बाय मैन कहते हैं किसने उसको मारा ही वॉज किल्ड बाई मैन हैड नेवर सीन हिम और ये देखिए ये बताया कि जंग की कितनी अजीब बात है कि आप देखें कि पागलपन देखें कि हम उन लोगों को मार देते हैं जिनको हमने कभी देखा ही नहीं होता हु डिडेंट इवन नो दैट दे किल्ड हिम और उनको ये भी नहीं पता कि उन्होंने उसको मार भी दिया है यानी ये आप कह सकते हैं कि इस कदर इनसेंसिटिव किस्म की इन हीमन किस्म की ये चीज़ है वॉर कि जिसमें अगेन ना गोली को पता है कि वो किस पे लग रही है और क्यों लग रही है और और लगी भी है कि नहीं ठीक है सो एंड ऑल माय माई ऑफ लव एंड होप एंड डिज़ायर एंड पेन गॉन अब ये सारी बात जो उसने पीछे की ये दो सफ़ों के ऊपर वो ये कहती है कि एक बच्चे को बड़ा करने में हम कितना टाइम लगाते हैं हम कितनी मोहब्बत उसको देते हैं उससे कितनी हमें उम्मीदें होती हैं उसके साथ कितनी हमारी ख्वाहिशात होती हैं और कितनी उसके साथ तकलीफें अटैच होती हैं ये बेसिकली ये जो है ना ये पूरे जो दो तीन उसने बड़ बड़े बड़े पैराग्राफ्स में बात की है तो बेसिकली वो यहाँ पर सम अप हो गई कि एंड ऑल माई ईयर्स ऑफ लव एंड होप एंड डिज़ायर एंड पेन कॉन यानी वो सिर्फ़ एक बच्चा नहीं था वो सिर्फ़ एक बेटा नहीं था वो सिर्फ़ एक बल्कि कहना चाहिए वो एक सिर्फ़ एक इंडिविजुअल नहीं था एक इंसान ही नहीं था उसके साथ बहुत सारी चीज़ें भी थी जुड़ी हुई तकलीफ़ थी ख्वाहिशात थी उम्मीदें थी मोहब्बत थी वो सब कुछ चला गया और जिसने उसको मारा उसको तो ख़ुद भी नहीं पता था कि वो क्यों मार रहा है और सो तो इसको हम कह सकते हैं कि कैसे जो लोग हथियार बनाते हैं जो बॉम्ब्स बनाते हैं या जो वॉर्स होती हैं उनमें किसी किस्म के जज्बात की कोई वैल्यू ही नहीं ना रिश्तों का कोई एहसास है आई हैड नर्स्ड हिम यानी आई हैड केयर्ड फॉर हिम एंड केयर्ड फॉर हिम यह उसी का मतलब है नर्स्ड का एक ही मतलब है इसका एंड टॉट हिम एंड प्राउड ऑफ हिम एंड इन अ मोमेंट माई ब्यूटिफुल सन वॉज अबलिटरेटेड कहते कितनी मेहनत की मैंने उसके साथ इतनी मोहब्बत की उसको क्या कुछ नहीं सिखाया छोटे चुछ छोटे जिंदगी के सबक सिखाए और उस पर फख्र किया लेकिन एक लम्हे में मेरा प्यारा बेटा दुनिया से गायब हो गया हैंनरी वह अपने भाई के साथ ये गम शेयर कर रही है देर इज़ अ स्लाइट पॉज देर इज़ अ लिटल पॉज अ ब्रैकेट का मतलब है कि अब वो उसने अब बोलना बंद कर दिया है तो अब हमें राइटर बता रहा है कि क्या हो रहा है देर इज़ अ स्लाइट पॉज वाइल शी रिकवर्स हर सेल्फ थोड़ा सा वक़ा लेके दोबारा से बात करती है कहती है यू सी डोंट यू हैं दैट आई कान टेक अ ब्रॉड व्यू ऑफ दैट कहते तुम जितना मर्ज़ी मुझे कहो कि मैं जंग के बारे में जो है अपना नज़रिया ज़रा बड़ा करूँ या उसको बहुत आला कर दूँ तो ये मेरे लिए नहीं हो सकता आई कैन ओनली सी माई सन्स बॉडी म्यूटिलेटेड एंड डिस्ट्रॉयड मुझे तो सिर्फ इस जंग में यही समझ आती है कि मेरे मुझे अपने बेटे की वो डैमज uh, बॉडी uh, जो कटी फटी बॉडी और तबाह हुई बॉडी नज़र आती है मेरे लिए तो जंग बस यही है इससे ज़्यादा तो मेरे लिए कुछ नहीं है यानी वो कह रही है कि बहुत तकलीफ़ है इस जंग में एंड कॉरी वेल ऑफ कोर्स आई क्वाइट सी योर पॉइंट ऑफ व्यू शाल इट इज़ हार्ड आई एडमिट दैट बट वी हैव टू कीप आवर फीलिंग्स अंडर कंट्रोल देखिए मैंने आपको बताया कि अब ये दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू देगा कि तो हमें हर वक्त अपने अपनी फीलिंग्स को हर एक के सामने बताने की ज़रूरत नहीं होती एंड आफ्टर ऑल देर इज़ द कंसोलेशन देर इज़ अ रिलीफ तसली है दैट एडी डिड हिज ड्यूटी टू हिज कंट्री कि वो अपना फर्ज अदा करते हुए फौत हुआ है आई डेयर से ही इज अकाउंटेड फॉर अ गुड मैनी ही अकाउंटेड फॉर अ गुड मैनी जर्मस अब अकाउंटेड फॉर है फ्रेजल वर्ब ठीक है इसका मतलब है कि ही बिकेम अ रीजन फॉर ही बिकेम अ रीज़न फॉर फॉर किलिंग यानी गुड मैनी जर्म वो कहते हैं कि मैं यकीन से कह सकता हूँ कि उसने बहुत सारे जर्मन्स को मार के ही मरा होगा अब आपको पता है ये बात तो हम अपने को तसली तो देने के लिए कहते हैं किसी को क्या पता कि वो मार के मरा या उधर ही बस कुछ भी नहीं किया और मर गया मिसिज मेल्टन दैट डजन कम्फर्ट मी हैंनरी आई कॉन्ट गेट एनी प्लेजर आउट ऑफ द थाट्स दैट सम पोअर जर्मन वुमन इज सफरिंग जस्ट एज आई एम सफरिंग अच्छा अब ये देखें आपको मैंने आपसे कहा था कि ये जो मिसिज मेल्टन हैं वो सिर्फ अपने लिए बात नहीं करती उनको लगता है कि अगर किसी दूसरी साइड का बच्चा भी फौत हुआ यानी कि दुश्मन का जिसको हम कहते हैं बच्चा तो क्या उसकी माँ जो है वो उसके वो नहीं रोई होगी हो क्या उसे तकलीफ़ नहीं हुई होगी क्यों क्या माएँ मरने के लिए बच्चों को या मारने के लिए पैदा करती हैं तो अब देखा जाए तो आप देखिए तो यहाँ पर फिर वो ना सिर्फ वो अपने बच्चे के बारे में सोचती है बल्कि दुश्मन के बच्चे के बारे में भी सोचती है उसकी माँ के बारे में भी सोचती है कि क्या उसको तकलीफ़ नहीं हुई होगी जैसे मुझे हो रही है नो हैंनरी आई फील दैट आई वुड वॉन्ट टू टेक साइड्स विद हर अगेंस्ट मैन लाइक यू कहते हैं नहीं 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 हैंनरी तुम जैसे लोगों के खिलाफ मुझे उसका साथ देना है क्योंकि वो भी एक माँ है एंड कॉरी मैन लाइक मी कहते हैं मेरे जैसे आदमी का क्या मतलब है एंड मिसिज मेल्टन यस पीपल विद ब्रॉड व्यूज़ अब उसका ज़ाहरा थोड़ा सा ये सरकास्टिकली कहती है तनजिया कहती है ना कि तुम लोग तो ज़ाहिर तुम लोगों के लिए तो रिश्ते भी इंपॉर्टेंट नहीं हैं तुम लोगों के लिए तो Uh, जान भी इम्पॉर्टेंट नहीं है तुम लोगों के लिए तो कुछ भी ऐसी चीज़ इम्पोर्टेंट तुम लोग कहते हैं तुम लोग इससे आगे देखो जिंदगी क्या है तो उससे आगे जिंदगी होती भी क्या है इससे आगे तो कोई जिंदगी नहीं होती बिकॉज यू आर सच फूल्स सम वन लाइक मी नॉट क्लेवर क्रिएट्स अ ब्यूटिफुल थिंग लाइक माई सन अब देखें यहाँ पर ये इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्यों कि यहाँ पर दो पॉइंट ऑफ व्यूज का आपस में क्लैश है कि एक पॉइंट ऑफ व्यू क्या सोचता है और दूसरा उसके बारे में क्या सोचता है तो uh, मिसेस मेल्डन उसको कहती है कि तुम लोग इस कदर बेवकूफ़ और अहमक लोग हो कि समवन लाइक मी के मेरे जैसा कोई भी जो कि इस दुनिया की नज़र में शायद चलाक नहीं होगा लेकिन एक बहुत खूबसूरत चीज़ बनाता है यानी जिस तरह से मेरा बेटा था एंड यू विद ऑल योर क्लेवरनेस और तुम लोग यानी तुम यानी तुम जैसे लोग तुम लोग अपनी चलाकियों के साथ क्या करते हो तुम लोग सिर्फ ये जानते हो कि उसको तबाह कैसे करना है तो तुम लोग हर खूबसूरत चीज़ को तबाह करते हो दैट्स वाई आई थिंक योर क्लेवरनेस कैन ओनली डिस्ट्रॉय इट यू आर अ फूल हैनरी तो अब देखा जाए तो वो इसको फूल समझ रहा है कि ये बस रोई जा रही है रोई जा रही है और ये उसको फूल कह रही है तो बेटे इसी तरह से दुनिया में एक पॉइंट ऑफ व्यू दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैच नहीं करता और एक दूसरे के बारे में इस तरह की ओपिनियन रखता है तो यहाँ पर इन दो कैरेक्टर्स में के थ्रू राइटर हमें ये बताता है कि मिसेस मिल्टन इंतहा हसास किस्म की खातून है और उनके नज़दीक जो दुनिया की खूबसूरती है वो इसके इंसानों से है अमन से है ठीक है कॉरी नेटल्ड वेल ऑफ कोर्स शार्ल्ट विद योर व्यूज़ अब थोड़ा एजिटेट हो जाता है ना थोड़ा सा ऐसे कहते हैं कि अब तुम्हारे जो इस तरह के पॉइंट ऑफ़ व्यू है इससे क्या होगा कि आई कैन हार्डली एक्सपेक्ट यू टू अप्रीशिएट माई वर्क मुझे तो नहीं लगता कि तुम तो मेरा काम सराह होगी बट आई फैंसी बट आई थिंक दट माई कंट्री मैन के मेरे जो कंट्री के लोग हैं पेज नंबर वन टू हंड्रेड एंड एटीन दे हैव एनी सेंस विल नो हाउ टू वैल्यू मी तो लेकिन उनको मेरी कदर कीमत पता होगी ठीक है दे विल मेक माई नेम नोन टू द मोस्ट इग्नोरेंट मैन इन द कंट्री और इस ईजाद के थ्रू मेरा नाम उन इस मुल्क के उस बच्चे को भी या उस बंदे को भी पता चलेगा जिसको कुछ भी नहीं पता पीपल अंडरलाइन विल टॉक अबाउट द कॉरी बॉम और इस बाम का नाम भी कॉरी बॉम होगा ठीक है अब देखिए उसकी फ़खर की वजह देखें तो हर एक बंदे के पास अपनी अपनी रीजनज हैं जस्ट एज दे यूज टू टॉक अबाउट द मिल्स बॉम जूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कहते इस वॉर के अंदर जैसे एक मिल्स बंदे ने बॉम्ब बनाया था तो उस तरह जिस तरह उसके बारे में बात करते हैं इस तरह मेरे बारे में भी बात करेंगे और मैं मशहूर हो जाऊँगा आई शल हैव टू आस्क फॉर अ लार्ज लम सम इन पेमेंट ऑफ द इन्वेंशन अच्छा लम सम का इकट्ठा ही बोलते हैं इसका मतलब होता है कि वन टाइम पेमेंट कहते हैं कि मैं बहुत बड़ी रकम इसके बदले में मांगूंगा अपनी इन्वेंशन के बिकॉज अ रॉयल्टी वुडेंट पे मी एट ऑल रॉयल्टी का मतलब होता है कि वो पैसा सम ऑफ मनी विच इज़ गिवन फॉर मेकिंग और राइटिंग समथिंग ठीक है तो कहते हैं कि मुझे ये आ, किस्तों में पैसे नहीं चाहिए रॉयल्टी होती है किस्म के किस्तों में पैसे होते हैं ना जो आपने काम किया उसके एक होता है एक ही दफ़ा में बहुत बड़ी रकम तो कहते हैं कि ये रॉयल्टी मैंने नहीं लेनी मिल्स गॉट अ रॉयल्टी ऑन ईच ऑफ हिज बॉम्ब कहते अब ये अपने आप को उसके साथ वो वो समझता कि जो मिल्स जिसने ये बॉम्ब बनाया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में तो कहते हैं कि आ, उसने तो रॉयल्टी एक्सेप्ट की लेकिन मैं तो मिल्स से बेहतर हूँ बट देन देवर स्मॉल एंड हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ देम वर यूज्ड तो कहते हैं उसके बॉम्ब्स तो छोटे छोटे, छोटे 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 थे अब अपना कहता है कि माई बॉम्ब्स विल बी बेग एंड वन ऑफ देम विल सफाइज फॉर अ सिटी कहते हैं कि मेरा तो बॉम्ब बड़ा होगा और वो एक ही काफ़ी होगा पूरे शहर को तबाह करने में अब आप देखिए कितना ाल तरीके से जैसे आप बात करते हैं ना इनसेंसिटिव होकर जैसे आपके लिए पैसा इम्पॉर्टेंट है मशहूर होना इम्पॉर्टेंट है अपनी ईजाद इम्पॉर्टेंट है उसके बदले में जो कुछ भी होगा वो आपके लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है So uh, one of them suffice suffice hai, sufficient yeah enough. Yes, I shall have to ask for a large lump sum. Hum isko lump sum nahi kehte, katha to lump sum? Okay? Now that they are spending several million pounds on a battleship that is generally believed to be useless, I am entitled to ask for a very large sum for my bomb, which will certainly decide the war. ये जो दूसरे बैटल शिप का मतलब यही होता है कि वो जो अपनी शिप्स पे जो लड़ाई के लिए गई हुए हैं उनके ऊपर तो फजूल के पैसे जो हैं वो जमा कर रहे हैं उन तो उस, उस पर खर्च कर रहे हैं तो फिर जिसका कोई फ़ायदा भी नहीं है आई एम एंटाइटल आई हैव एवरी राइट इंटाइटल का मतलब है टू हैव अ राइट टू आस्क फॉर अ वेरी लार्ज लम सम क्योंकि मेरा बॉम्ब तो उनका बहुत बड़ा काम करेगा ऑफकोर्स वो गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं कि मैं जब उनसे बात करूँगा तो I wonder how much I ought to ask for, Charlotte? How much I ought to ask for? आस्क अब उससे पूछ रहा है अब सोचें शालट तो पहले इस गम से ही इसम से बाहर नहीं आई कि ये जो बॉम्ब की बातें कर रहा है ये लोगों को मारने की बातें कर रहा है सिटीज़ को तबाह करने की बातें कर रहा है तो उससे वो पूछ रहा है कि बताओ बताओ मैं कितने पैसे जो है इसके लिए मांगूँ दे वॉन्ट गिव मी डैट वट इज़ वर्थ डैट एप्सोलूटली सर्टन कहते हैं मुझे तो पक्का पता है कि मुझे उतना नहीं देंगे जितना मैं चाहता हूँ दे माइट पे या क्वार्टर ऑफ अ मिलियन मिलियन जो होता है वो होता है जैसे आज कल हम पाकिस्तानी रुपीज़ में कहें तो मिलियन होता है दस लाख ठीक है तो अ क्वार्टर ऑफ अ मिलियन ज़रा ये बहुत पुराना एक वन हंड्रेड ईयर्स पहले की बात है तो अ क्वार्टर अ क्वार्टर का मतलब है चौथा हिस्सा मिलियन का यानी कि अगर दस लाख है तो उसका चौथा हिस्सा आप कह सकते हैं कि दो से तीन लाख के दरमियान होगा ठीक है तो वो कहते हैं कि मुझे तो लगता है वो मुझे बस इतने ही पैसे देंगे तो इसको हाईलाइट करें कि उसकी गवर्नमेंट से क्या उम्मीदें हैं उसका ख्याल है ये बहुत कम पैसे हैं ठीक है शार्लट वट वुड यू आस्क फॉर इफ यू वर मी अब ये बात देखें कि अगर तुम मेरी जगह होती तो तुम कितना कहती तो वो कहते कि मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं क्या करती ये फ़र्क है दोनों में मिसिज मेल्डन सेज आई शुड आस्क फॉर माई सन मैं उनसे अपना बेटा मांगती अब ये बहुत बड़ी बात है कि यानी कि मेरे लिए जान ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो मैं कहती मेरा बेटा मुझे दे दो मुझे ना किसी पैसे की ज़रूरत है ना किसी शोहरत की अब आप देखें दोनों कितने मुख्तलिफ़ हैं अपने आइडियोलॉजीज़ या अपने बिलीफ्स में कॉरी नाव 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 शाल नॉट अगेन प्लीज़ अब वो खुद वो बार बार बेटे का क्या क्या, क्या 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 वो भी उससे तंग आ गया नॉट अगेन वी मस्ट थिंक ऑफ द फ्यूचर नॉट ऑफ द पास्ट अब देखिए इसका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि हमें जी फ्यूचर का सोचना चाहिए पास्ट पास्ट में उसका बेटा है और फ्यूचर का मतलब है कि मैं मेरे जो पैसे मिलेंगे और मेरी ये ईजाद जो है वो ज़बरदस्त होगी हो और फ्यूचर जंगों में यूज़ होगी आई डोंट वॉन्ट टू आस फॉर टू मच बिकॉज आई शेंट गेट इट इसका मतलब आई शल नॉट गेट इट एंड आई डोंट वॉन्ट टू आस फॉर टू लिटल दो आई एल प्रॉबली गेट दैट एनी हाउ कहते कि मैं इतना ज़्यादा भी नहीं उनसे कहना चाहता गवर्नमेंट uh, से क्योंकि मुझे पता है वो मुझे नहीं दे सकेंगे और मैं बहुत थोड़ा भी नहीं क्योंकि जाहिर बात है मेरा हिस्सा तो ज़्यादा ही बनता है वट डू यू थिंक शालट डू यू थिंक इट वुड बी बेटर टू टू लेट दैम नेम अ प्राइस कहते हैं क्या मैं उन पर छोड़ दूँ वो खुद उसकी कीमत तय करें अब ज़रा मिसेज मेडर में उसमें क्या इंटरेस्ट होगा वो कहते हैं आई डोंट नो एंड कॉरी वेल यू माइट टेक अ लिटिल इंटरेस्ट इन द मैटर कहते तुम्हें इंटरेस्ट लेना चाहिए इस मैटर में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मी क्योंकि ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दे ऑट रेली टू गिव मी अ टाइटल टू कहते फिर मुझे वो कोई टाइटल भी दे होता है ना कि आप शानदार खदमात पर किसी को सर का टाइटल देते हैं किसी को मोसने पाकिस्तान का देते हैं आपको पता है अब्दुल कदीर ख़ान को दिया हुआ है मोसने पाकिस्तान एटम बॉम्ब जो है वो बनाया था कहते हैं कि उन्होंने जब धमाके हुए थे ट्वेंटी एटथ मे नाइनटीन नाइन्टी एट को जो धमाके हुए थे आ, पाकिस्तान ने एटमी धमाका किया था तो अब्दुल कदीर खान को डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान को मौसन पाकिस्तान का खिताब भी मिला था तो उसी तरह से ये कहता है कि मुझे भी कोई खिताब मिलना चाहिए सपोजिंग Uh, फ़र्ज़ करें कि आई से कपल ऑफ हंड्रेड थाउजेंड पाउंडस कि मैं उनसे मांगूँ क्या कि मुझे हंड्रेड थाउजेंड मतलब तकरीबन ये अब कितने पैसे बनते होंगे बहरा काफ़ी पैसे बनते हैं और पियरज दे दें पियरज का मतलब होता है कि उसको लॉर्ड बना दें यानी उस जैसे इंग्लैंड में टाइटल्स होते हैं ना कि जो जो बंदे की ख़िदमत बहुत ज़्यादा होती हैं तो उसको आप लॉर्ड या सिताब दे देते दे हैं दे। तो कहते हैं मुझे ये खिताब दे दें एंड मिसिज मिल्टन वाई नॉट से थर्टी पीसेज ऑफ सिल्वर कहते इतना तो, तो आप इसको उनसे ये ये क्यों मांगते हैं आप इनसे ऐसे क्यों नहीं मांग रहे कि बस थर्टी पीसे सिल्वर का मतलब अगेन मनी यानी एक मनी गोल्ड में होती है एक मनी जो होती है वो कॉइन्स में होती है बेसिकली दे आर टॉकिंग अबाउट कॉइंस कहते तुम उससे सिर्फ थर्टी पीसेस ऑफ कॉइन क्यों नहीं मांगते यानी वो बहुत थोड़ी प्राइस लगाती है उसकी अब इसको गुस्सा आ जाता है इज थरली एंग्री वेरी एंग्री रियली शार्लट यू आर इन यानी कि यू आर एक्सट्रीमली अनोइंग तुम बहुत ज्यादा बंदे को गुस्सा दिलाती हो यू आर एब्सोल्युटली इनसफरेबल आई पुट अप विद अ ग्रेट डील फ्रॉम यू आई पुट अप विद अ ग्रेट डील फ्रॉम यू बिकॉज यू आर इन डिस्ट्रेस कहते हैं मैं तुम्हें बर्दाश्त कर रहा हूँ क्योंकि तुम सदमे में हो पुट अप विद टू पुट अप जो है इट्स अ फ्रेजल वर्ब अच्छा इस लेसन में और इस प्ले में बहुत सारे फ्रेजल वर्ब्स हैं ठीक है सो फ्रेजल वर्ब और इस टू पुट अप का मतलब है टू टॉलोरेट बर्दाश्त करना बिकॉज यू आर इन डिस्ट्रेस बिकॉज यू आर इन ग्रीफ बट देर आर लिमिट्स टू एंड के लेकिन कहते हैं बर्दाश्त की भी कोई हद होती है पेशेंस इसका मतलब है यू नो यू हैव कॉन्ग्रेचुलेटेड मी इवन परफंक्टरीली परफंक्टरीली का मतलब हो गया कि तुमने मुझे एक एक ड्यूटी के तौर पे भी मतलब एक आप कह सकते हैं ना कि तुमने मुझे तो झूठे मुंह जिसको हम कहते हैं वो भी मुझे मुबारकबाद नहीं दी है इसके ऊपर एंड यू हैव मेड योर सेल्फ एंड मी थरली मिजरेबल बाय दिस और इस तरह से तुमने मेरा और अपना दोनों को एक तकलीफ में रखा हुआ है दिस मोनिंग ये कि जो तुम हर वक्त क्राइंग करती रहती हो कंप्लेन करती रहती हो ओवर वॉट कांट बी हेल्प्ड कहते हैं कि इसका फायदा क्या तुम्हारा बेटा वापस तो आएगा नहीं यू इवन मेड हैना मिजरेबल के अब वो सर्वेंट का नाम लेता है ना कहते हैं कि तुमने तो हैना को भी अपनी तरह का कर दिया वो भी हर वक्त ऐसी बातें करती रहती है अब ज़रा इसको गुस्सा आया हुआ ना कि वो उसने इतनी थोड़ी प्राइस उसके उसकी लगाई है माई डियर शार्लट आई एम टॉकिंग टू यू नाउ फॉर योर गुड कहते मैं तो तुम्हारे भले की बात कर रहा हूँ यू रियली ऑट नॉट टू लेट योर माइंड डुवेल्व ऑन थिंग्स इन द वे यू डू कहते इतना ज़्यादा चीज़ों के बारे में सोचना अच्छा नहीं है जितना तुम सोचती हो अच्छा ये जगह जगह पर ऑट फॉर्मल तरीके से अगर हम शुड कहना चाहें तो वो होता है ऑट और शुड का एक ही मतलब होता है इट इज एन गुड फॉर यू एंड इट्स वेरी अनप्लेजेंट फॉर मी एंड फॉर अदर्स हु एसोसिएट विद यू कहते हैं ये औरों के लिए भी बड़ी तकलीफ दे बात है जिसमें तुम बातें करती हो योर बॉय वॉज किल्ड कहते हैं तुम्हारा बेटा मर गया या मारा गया तो आगे कहते हैं तो उसमें क्या है सो वर अदर पीपल्स बॉयज अप टू टू हंड्रेड एंड नाइनटीन पेज टू हंड्रेड एंड नाइनटीन कहते इस तरह तो और लोगों के बच्चे भी मरे हैं बट वी कांट स्पेंड द रेस्ट ऑफ आर लाइफ इन लेमेंटेशन लेकिन हम क्या सारी ज़िंदगी इस तरह से इस बारे में रोते धोते गुजारेंगे लेमेंटेशन का मतलब है ग्रीफ़ में गुजारेंगे इस तरह सदमे में गुजारेंगे आई हैव माई वर्क टू डू मुझे तो काम करना है तो मैंने आपको बताया कि किस तरह से वो का, काम और आ, किस तरह से वो जो रिश्ते हैं दोनों के दरमियान उसको अपने काम को वो ज़्यादा अजीज़ रखता है प्रोफेसर कॉरी अब मिसेज मेलन योर बॉम क्या तुम बॉम्ब बना रहे हो जो काम की बात कर रहे हो कि ये बॉम्ब बना रहे हो वो कहते हैं यस एंड मिसेजन मेल्टन विल मेक द बॉडीज ऑफ मेन एंड वेमेन एंड लिटिल चिल्ड्रन रॉट इफ इट डज नॉट ब्लो देम टू पीसेस कहते हैं उस बॉम्ब की बात कर रहे हो कि जो कि uh, मर्दों औरतों और छोटे बच्चों की, की बॉडीज को गला देगा अगर वो पीसेस में ना भी हुई उस बॉम्ब की बात कर रहे हो कॉरी द फॉर्चून ऑफ वॉर माई डियर शाल्ट कहते ये तो होता है इसी तरह ही होता है वॉर में आफ्टर ऑल वॉट डज इट मैटर टू अ मैन वेदर इज ब्लोन टू पीसेस बाय अ बॉम और स्टैप्ड टू डेथ बाय अ बैनिट अच्छा कहते हैं कि इससे इस क्या फर्क पड़ता है कि अगर जो इंसान मर जाता है तो उससे क्या फर्क पड़ता है कि उसको बॉम्ब से वो मरता है या उसको जैसे कहते हैं ना स्टैब टू डेथ यानी कि वो जो एक बेनेट एक शार्प वेपन है तलवार की तरह का कि उसको तलवार के वार से मार दें तो कहते हैं क्या फर्क पड़ता है मरना तो है जंग में अगर आपने मरना है तो ज़ाहिर है आप कोई जंग में जंग में कोई आप उसके लिए तो नहीं आए होते कि आपको हार पहनाएंगे या आपको कोई हम आ, अच्छे तरीके से कोई कंफर्टेबल किस्म का प्रोटोकॉल देंगे ज़ायरा जो जंग में जाता है उसको मारना होता है मरना पड़ता है उसको एज अ मैटर ऑफ फैक्ट द बम इज़ द मोर मर्सीफुल ऑफ द टू कहते अगर इन दोनों में से बात करें तो बम जो है वो ज़्यादा रहम करने वाला है क्योंकि वो इससे जल्दी जल्दी लोग मर जाएंगे देखें क्योंकि जब आप इसका ख्याल है अब ऑफ कोर्स ये इसका ख्याल है कि अगर आप किसी को बैोनेट या जिस तरह छुरा मारते हैं तो उससे उसको ज़्यादा तकलीफ़ होगी वो ज़्यादा हो देर के लिए तड़पेगा लेकिन जब आप बॉम्ब से किसी को मारेंगे तो उससे तो पता ही नहीं चलेगा वो इससे पहले कि उससे कुछ होश आएगा वो तो बस खत्म हो जाएगा तो जल्दी की डेथ हो जाती है इट इज एनी यूज बींग सेंटिमेंटल अबाउट दीज थिंग्स क्या इन चीज़ों के बारे में इतनी ज्यादा तुम्हें जरूरत नहीं है कि तुम इतनी सेंटिमेंटल हो जज्बाती हो द पर्पज ऑफ वॉर इज किलिंग एंड द साइड विच किल्स द मोस्ट पीपल इन द शॉर्टेस्ट टाइम इज गोइंग टू विन द वॉर्स ऑफ द फ्यूचर अब इसने ये बहुत ही प्रैक्टिकल बात की है इसी तरह से दुनिया सोचती है और ये हाईलाइट कीजिएगा बातें तो खैर इसने बीच में काफ़ी प्रैक्टिकल की हैं दुनिया तो देखें जब आप दुनिया का कारोबार चलाते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा जज्बात की जगह नहीं होती ठीक है जिस तरह अब अदालत होती है अदालत लगती है अदालत में जब जब फैसला देता है तो आप देखें कि वो कभी भी इमोशनल बेसिस के ऊपर फ़ैसला नहीं देगा वो प्रूफ्स देखेगा वो विटनेसेस देखेगा वो लोगों की गवाहियाँ देखेगा लोगों के सबूत देखेगा अगर वो सबूत आ, किसी ने आपको पता है लोग गलत सबूत भी बना लेते हैं गलत गवाहियाँ झूठी गवाहियाँ बनाते हैं लेकिन अगर वो चीज़ प्रूफ उस तरह से हो जाती है और दूसरी साइड बेशक दुहाइयाँ देती रहे कि ये तो गलत हुआ है ये तो जुल्म हुआ है लेकिन होता क्या है कि वो साइंटिफिकली देखते हैं वो सबूतों की रोशनी में देखते हैं और फिर जज्बात को पीछे रख के वो फैसला करते हैं तो वो ये कहते हैं कि देखो मैं तुम्हें साफ बात बता दूं कि द पर्पस ऑफ वॉर क्या है जी इस जंग का मकसद ही मारना है और जो साइड दूसरी साइड को थोड़े से वक्त में ज्यादा लोग उसके मार देगी तो वही फ्यूचर की वॉर जीतेगी ये तो ये तो हमें जहन में रखना पड़ेगा माई बॉम्ब विल इनेबल दोज कंडक्ट अ वॉर इन अ रैपिड इन अ स्विफ्ट इन अ स्पीडी एंड एफिशिएंट फैशन कहते मेरा बॉम उन लोगों की हेल्प करेगा जो कि जो कि जंग लड़ना चाहते हैं तेज़ी से और जल्दी ख़त्म करना चाहते हैं नो रीज़नेबल पर्सन कैन डिनाई कहते जिस इंसान के पास ज़रा सी भी अकल होगी वो इस बात को नहीं झुटला सकेगा कि मैंने अपने मुल्क के साथ बल्कि उसकी खिदमत की है इन इन्वेंटिंग दिस बॉम्ब फॉर इट्स यूज़ कि मैंने ये वाला बॉम बनाया इससे तो ये फ़ायदा होगा कि वॉर जल्दी ख़त्म होगी और आ, इसमें हमारा मुल्क जीत जाएगा एंड इवन यू इफ यू आर नॉट डिस्ट्रैक्टेड बाय व्हाट यू हर्ड दिस मॉर्निंग एंड द फैक्ट दैट दिस इज़ द एनिवर्सरी ऑफ एडीज़ डेथ वुड एग्री विद देम और कहते तुम भी मुझसे एग्री करती इस बात से अगर आज सुबह तुम्हें वो लड़का ना मिलता और तुम्हें वो एडी के बारे में वो बातें ना बताता और अगर आज एडी के बरसी ना होती तो अगर ये दोनों चीज़ें आज ना होती तो तुम भी मेरी इस ईजाद को अप्रीशिएट करती मिसिज मेल्डन नो वन बट यू नोज़ द सीक्रेट ऑफ योर इन्वेंशन हैनरी तो कहते हैं क्या ये जो तुमने ईजाद की है इसका आ, किसी और को तुम्हारे अलावा पता है तो कहते हैं नो नो नॉट दैट टाइम अवेयर ऑफ कहते नहीं ये सिर्फ मुझे ही पता है मिसिज़ मेल्डन इफ़ यू वर टू डिस्ट्रॉय योर इन्वेंशन नेवर रिवीड इट सीक्रेट्स थाउजेंड्स ऑफ़ बॉयज़ लाइक एडी माइट लिव विदाउट फियर ऑफ़ बीइंग डिस्ट्रॉयड तो कहते हैं अगर तुम तुम्हें अपनी ये इन्वेंशन को डिस्ट्रॉय करना पड़े और तुम इसका सीक्रेट किसी को भी ना बताओ तो क्या ऐसा नहीं होगा कि एडी की तरह के बहुत सारे दूसरे बच्चे भी बच जाएंगे वो वो उसकी तरह मारे नहीं जाएंगे बल्कि वो एक अच्छी जिंदगी गुजारेंगे तो कौरी कहते हैं ओह आई डोंट नो कहते मैं नहीं जानता इट्स फैटेस्टिक थाट अच्छी थाट है तुम्हारी बड़ी ज़बरदस्त थाट है बट देर इज़ नथिंग इन इट अदर पीपल विल इन्वेंट थिंग्स इवन डेडलियर देन माय बॉम्ब कहते हैं अगर मैंने ये चीज़ ना भी की तो दूसरे लोग मुझसे ज्यादा मेरे बॉम्ब से ज्यादा खतरनाक बॉम्ब बना लेंगे एंड मिसिज मेल्टन बट हैंनरी इफ यू वॉट टू सप्रेस टू कंट्रोल योर इन्वेंशन कहते हैं तुम अगर कंट्रोल करो अपने इन्वेंशन को तो कॉरी सप्रेस इट मिसिज मेल्टन यस इफ यू वोट टू डिस्ट्रॉय योर फॉर्मूला एंड पीपल वो नो वॉट यू हैप्स यू वुड डू अ ग्रेट डील टू चेंज पीपल्स hearts. कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता कि तुम अपना ये फार्मूला तबाह कर दो और आ, लोगों को आ, पता भी ना चले कि तुमने आ, लोगों को ये पता चल जाए कि तुमने क्या किया यानी कि तुम लोगों को ये बता दो कि तुमने एक फार्मूला तो बनाया था लेकिन फिर तुमने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया तो ऐसा नहीं होगा कि ये लोग तुमसे और ज़्यादा मुहब्बत करेंगे और तुम उनके दिल जीत लोगे कि तुमने एक फार्मूला बना उसे तबाह किया क्योंकि तुम इंसानियत की कदर करते थे एंड क्वारी माय डियर शार्लट मोस्ट सेंसिबल पीपल वुड थिंक आई वुड आई हैड गॉन ऑफ माय हेड कहते हैं कि तुम्हारा क्या ख्याल लोग मुझे uh, मुबारकबाद देंगे वो मुझे जो जो लोग जरा अक्ल व शूर वाले होंगे वो सोचेंगे कि मैं पागल हो गया हूँ कि मैं आई हैव गॉन ऑफ माई हेड का मतलब है ये भी एक फ्रेजल वर्ब है इसका मतलब है कि आई हैव गॉन इ लॉजिकल और आई हैव लॉस्ट माई माइंड अफ्यू क्रेंस एंड रिलीजियस मैनी माइट प्रेज मी कहते हैं कि कोई जो क्रेजी से लोग होंगे मेन क्रेंक्स का मतलब है जो कि क्रेजी मैड एंड रिलीजियस मैनीस तो जो लोग रिलीजन से रिलेटेड होंगे यानी ऑप्सड विद रिलीजन होंगे वो मुझे ज़रूर प्रेज करेंगे वो ज़रूर मेरी तारीफ करेंगे अब उसका ख्याल है कि ये लोग ये जो दो, दो लोग होते हैं ये दिमाग इस्तेमाल नहीं करते बट द एवरेजन आई वॉज अन्पेट्रिया कहते हैं कि वो मुझे कुछ कहेंगे कि के तुम तुम आ, तुमने ये मुल्क से ख़िदमत उसकी नहीं की कुछ मुझे कहेंगे तुम बेवकूफ़ हो तो मुझे तो इस तरह के नाम ज्यादातर लोग देंगे तुम कैसी बात कर रही हो पेज नंबर टू हंड्रेड एंड ट्वेंटी वी आर रीचिंग टूवर्ड्स दी एंड नाउ मिसन हैंनरी आई बैग यू टू डिस्ट्रॉय योर इन्वेशन देखिए इसको हाईलाइट करें वो उसके पीछे अब पड़ गई है कि इसको तुम तबाह करो क्योंकि उसको अब ये पता चल गया कि ये सिर्फ़ उसके भाई को ही इस इन्वेंशन का पता है और किसी को इसका फार्मूला नहीं पता तो ये बात यहीं ख़त्म हो जाएगी हॉरी यू वॉट मिसिज़ मेल्टन आई बैग यू टू डिस्ट्रॉय इट लेट दैट बी योर मेमोरियल टू एडी कहते हैं कि तुम इसको तबाह कर दो इसको अब मेरे बेटे की मौत का एक गिफ्ट बना दो उसकी यादगार बना दो इस तरह करने से मुझे बहुत खुशी होगी तो अब वो ज़ाहरा इतना सेंटिमेंटल तो होता नहीं है वो तो जज्बात से काम तो नहीं लेता वो तो ज़ाहरा एक रैशनल और साइंटिफिक तरीके से सोचता है तो कॉरिस सेज माई डियर शार्लट आई बिगिन टू बिलीव दैट ग्रीफ हैज़ अनहेंजड योर माइंड कहते हैं अब मुझे लगने लग गया है कि तुम्हारे सदमे की वजह से अनहेंस्ड का मतलब है कि तुमने अपना दिमाग जो है तुम्हारा वो ख़राब हो चुका है ठीक है यू हैव लॉस्ट यूर माइंड डिस्ट्रॉय माई इन्वेंशन कहते हैं मैं पागल हूँ कि मैं अपनी ईजाद को डिस्ट्रॉय कर दूँ एंड मिसिज मेल्टन योर बॉम्ब विल डिस्ट्रॉय लाइफ कहते हैं कि तुम्हारे बॉम्ब से तो जिंदगी तबाह हो जाएगी पूरी की पूरी जिंदगी एंड हैंनरी आई बेग यू ऑफ टू डिस्ट्रॉय इट एंड कॉरी रबिश वुमन रबिश अब इसको सही हो स गया अब वो ना शालट कह रहा है ना सिस्टर कह रहा है कुछ भी नहीं अब वो कहता है रबिश वुमन रबिश कहते ये कैसे बकवास है ये बकवास एंड मिसेस मेल्डन देन आई विल डिस्ट्रॉय इट फॉर यू अब आप देखें ये क्लाइमेक्स पे हम जा रहे हैं यानी कॉम्प्लिकेशन्स uh, पहले हुई अब मैं प्लॉट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता रही हूँ कि अब हम चले जा रहे हैं कि अब सस्पेंस बहुत ज़्यादा हो गया कि अब क्या होगा इन दोनों के दरमियान तो बहुत हीटेड आर्ग्यूमेंट शुरू हो गया तो कहते हैं कि फिर मैं उसे खुद डिस, डिस्ट्रॉय करूँगी शी गोज टू द टेबल विरथ दैट रिटॉर्ट्स आर एंड टर्न्स द टेबल ओवर सो दैट द रिटोर्ट्स आर स्मैश्ड और वो ना टेबल को ऐसे उलट उलट देती है ताकि वो जो जो रिटोर्ट्स है जो बॉटल्स जिसमें सारा वो एक्सपेरिमेंट हो रहा था वो सारी दे शुड बी ब्रोकन टू पीसेस एंड कॉलिंग वट दल आर यू डूइंग तुम कर क्या रही हो एंड मिसिज मेल्टन आई एम डिस्ट्रॉइंग योर फाउल इन्वेंशन कहती है मैं जिस पर उसको इतना फ़ख्र होता है उसके भाई को कि मैंने ये बनाया वो उसको कह रही है कि मैं तुम्हारी इस गंदी इन्वेंशन को तबाह कर रही हूँ एंड क्वॉरी लाफिंग हार्शली अब उसका मजाक उड़ाता है ना इस तरह हंसता है दैट वोंट इट कहते हैं तुम्हारा क्या ख्याल है इन चीज़ों को तबाह करने से वो तबाह हो जाएगा आई गॉट इट ऑल इन माई हैड कहते है, ये तो मेरे दिमाग में है मैं तो और बना लूँगा ऑल यू हैव डन शार्लट इज़ मेक अ मेस ऑन माई फ्लोर कहते हैं तुमने सिर्फ ये किया कि मेरा कमरा गंदा कर दिया बाकी मेरे दिमाग के अंदर है ये सारी चीज़ें डी आई कॉल इट कहते जो तुम कह रही हो ये बहुत अहम मकाना बात है आई कॉल इट डैम्ड सिली एक्सट्रीमली स्टूपड ही स्टूप्स डाउन बेंड्स डाउन एंड बिगिन टू क्लियर अप द मैस और वहां से चीजें साफ करने लग जाता है अब मिसिज मिल्टन के पास कोई ऑप्शन समझ नहीं आ रही मिसेज मिल्टन स्टैंडिंग बिहाइंड इट्स ऑल इन योर हेड ये सब तुम्हारे दिमाग में एंड कॉरी ऑफकोर्स इट इज एनी बडी बट अ फूल ऑफ अ वन वुड है कि एक तुम जैसी बेवकूफ़ औरत के अलावा बाकी तो सबको पता होगा कि फार्मूला बेसिकली दिमाग में होता है एक तबाह किया उसकी उसकी कोई चीज़ तो दूसरी चीज़ तो दिमाग से फिर बन जाएगी मेकिंग अ कन्फाउंड मैस लाइक दिस कन्फाउंड का मतलब यहाँ पर हो गया ए नॉइंग मैस यानी डर्ट लाइक दिस कहते हैं यहाँ तुमने सिर्फ गंद मचाया और कुछ भी नहीं हुआ मिसेज मेल्टन इट्स ऑल इन योर हैड देखें वो बार बार रिपीट करिए अब इस बात को अब थोड़ा सा आप देखेंगे कि अब क्लाइमैक्स जो है उस पर हम चीज़ें मैंने आपको बताया लेकर जा रहे हैं पहले क्लाइमैक्स में हमें लगा कि वो उसकी जब तोड़ देगी तो सारी चीज़ें अब वो पछताएगा ऐसा नहीं हुआ उसने उल्टा कहा कि मेरे ये तो मेरे दिमाग में है ठीक है ओके एंड कॉल यस यस डोंट कीप ऑन रिपीटिंग योर सेल्फ बट कम एंड हेल्प टू क्लियर अप दिस मेस यू हैव डन कहते इधर आके मेरे साथ ये सफाई करो जो तुमने गंद मचाया मिसेस मेल्टन हेनरी वोंट यू डू वॉट आई आस्क यू तुम नहीं करोगे वो जो मैंने तुमसे कहा है एंड कॉरी डोंट बी अ फूल एंड लुकिंग अराउंड गिव मी दैट क्लॉथ ओवर देयर सो दैट आई कैन मॉप अप दफ कहते हैं मुझे दो तो वो कपड़ा वहाँ से ताकि मैं क्लीन करूँ इस सारे गंद को जो तुमने किया है मॉप अप का मतलब क्लीन ही कंटिन्यूज टू कलेक्ट द पीसेज ऑफ ब्रोकन ग्लास एट्सेट्रा वाइल्ड शी गोज टू वर्ड्स द टेबल व क्लॉथ इज वेन शी रीच इज द टेबल अब देखें हम बिल्कुल क्लाइमैक्स की तरफ जा रहे हैं शी सीज अ लॉन्ग नाइफ लाइंगो हाईलाइट करें और अंडरलाइन करें एंड हाफ अनकॉन्शियसली अब वो चूंकि एक ट्रांस में है एक और कैफियत में है तो वो अब क्या करती है वहां से वो चाकू उठाती है शी पिक्स इट अप एंड लुक्स एंड खॉरी इम्पेशंटली हरी अपट एंड आर्थ आर यू डूइंग एंड मिसिज मेल्टन आई एम लुकिंग एट सम दिस नाइफ लास्ट पेज कॉरी वेल यू कैन लुक एट इट ऑफ टुवर्ड्स कहते हैं अब उसका भाई उसको सीरियस नहीं लेता वो कहता यार तुम ये बाद में चाकू शाकू देखना पहले मुझे कपड़ा दो मैं साफ़ करूँ फैश द क्लॉथ ना हेयर हेयर इज एडीज रीथ अंडर द टेबल अब ये देखो मुझे याद होगा आपको जो उसने उसकी कबर पर चढ़ाने के लिए एक फूलों का हार मंगवाया था तो कहते ये देखो ये तो टेबल के नीचे पड़ा हुआ है यू हैव मेड अ मेसिट टू तुमने तो इसको भी ख़राब कर दिया तो कहती है एड रीथ शी कम टूवर्ड्स हिम द नाइफ इज़ इन हर हैंड कहते यस एंड मिसिज मेल्टन इफ़ यू वर टू गिव अप योर इन्वेंशन हैनरी आई वुडेंट माइंड अबाउट द रीथ कहते हैं कि अगर तुम अपनी इस इन्वेंशन को छोड़ देते गिव अप का मतलब है छोड़ देते ये भी फ्रेजल वर्ब है तो तो हैंनरी मैं कभी भी इस रीत के बारे में फिक्र ना करती योर ऑफरिंग वुड बी बेटर देन माइन क्योंकि तुम वो अच्छा काम करते सिर्फ फूल चढ़ाने से बेहतर होता कि तुम आ, एक अपनी इजाद को इस खतरनाक इजाद को छोड़ देते एंड कॉरिसेस वेल आई शैंड कहते मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा गिव अप माई इन्वेंशन फॉर अ लॉट ऑफ डैम्ड सेंटिमेंट नॉट लाइकली कहते मैं इस किस्म के जजबातीत के लिए छोड़ूंगा अपनी इन्वेंशन को यह हो ही नहीं सकता एंड मिसेज मेल्डन इट विल डिस्ट्रॉय लाइफ हैंनरी अब वो फिर उसको वही बात करती है कि इससे तो जिंदगी तबाह हो जाएगी जिंदगी का मतलब है ओवरऑल इंसानियत वो तबाह हो जाएगी तो कहते हैं व्हाट्स दैट कॉट टू डू विद इट गिव मी दैट क्लॉथ कहते तुम अब ये कपड़े कपड़ा मुझे जल्दी से दो ये अभी तुम क्या ये बातें कर रही हो एंड ही स्नेप्स एट आउट ऑफ हर हैंड स्नेप होता है ना ऐसे खींच लेना उससे ही स्नैच इट आउट ऑफ हर हैंड बट डज नॉट सी द नाइफ इन हर अदर हैंड एंड मिसिज मेल्डन यू वॉन्ट डिस्ट्रॉय इट हैंनरी एंड कॉरी ऑलमोस्ट इन अ स्नारो गुस्से में उसको चीख के कहता है कि नहीं एंड मिसिज मेल्डन रेजिंग द नाइफ अबव हिम देन आई और ये आप देखें कि क्लाइमेक्स uh, की पीक पे हम गए और यहाँ से विद क्वियर मोन ऑफ डेस्पेयर अब एक बहुत ही स्ट्रेंज uh, uh, एक आवाज़ जो दुख की थी क्राय थी शी ड्राइव्स द नाइफ इन टू हिज बैक उसके पीछे वो जोर से नाइफ मारती है ही स्वेज ही मूव्स अन जैसे ना ऐसे लड़खड़ा जाता है अ मोमेंट अटरिंग चोकिंग साउंड इसको चोकिंग होना चाहिए चोकिंग यानी कि जिसमें आवाज़ फंस जाती है जिसमें गले में आपका आवाज़ फंसती है एंड देन क्लचिंग एट दी एयर और फिर हवा में किसी चीज़ को ऐसे पकड़ते हुए वो पकड़ किसी चीज़ को नहीं सकता ही pitches फॉरवर्ड ऑन टू हिज फेस और फिर वो जो है वो अपने मुंह के बल जो है वो गिर जाता है ठीक है ही स्टैंड above हिम अच्छा अब ये देखें ये फॉलिंग एक्शन ऑफकोर्स कि उसके बाद उसको मार देती है और उसके बाद ये होता है कि वो आ, शी स्टैंड अबव हिम लुकिंग डाउन ऑन हिज बॉडी इन अ डेज्ड वे क्योंकि वो अपने उस तरह होश में है नहीं है उसने ये सारा फैसला जो है ये उससे एक एक कैफियत में हुआ है जाहिर है वरना वो अपने भाई को उसरा नहीं लेकिन चूँकि उस वो बार बार उसको कह रही थी कि तुम इसको हटाओ इसको मत इन्वेंशन को आगे करो ये इंसानियत को तबाह कर देगी लेकिन भाई सुन नहीं रहा था तो उसने एक डेस्परेट मेजर के तौर पे इस तरह का फैसला किया सो लुकिंग डाउन ऑन हिज बॉडी इन अ डेज्ड वे इन अ डेज्ड वे का मतलब है लॉस्ट यानी कि उसको नजर कुछ नहीं आ रहा था वो कहीं और होती है शी इज क्राइंग हिस्टेरिकली एंड सडनली शी शीज्स एंड पिक्स द ब्रोकन रीथ शी होल्ड्स इट टू हर ब्रेस्ट एंड स्टेयर्स डिस्ट्रैक्टेडली इन फ्रंट ऑफ हर अच्छा अब ये देखे ना शी स्टैंड अबव हिम ये भी सिम्बोलिकली यानी कि ये इशारा है कि अमन की जीत होती है वो फाते होती है यानी शी मिसेज मेल्डन स्टैंड फॉर पीस तो uh, जंग हार जाती है और पीस की फतह होती है ठीक है तो इसलिए जो उसका इस तरह से खड़ा होना कि वो नीचे पड़ा हुआ है और वो खड़ी है ऊपर उस आई I मीन mean, के वो खड़ी हुई भी है तो ये इस बात का इशारा है ये इस बात का सिंबल है कि वो के अमन जीत जाता है इधर ठीक है एंड लुकिंग डाउन ऑन हिज बॉडी इन अ डेज्ड वे शी इज क्राइंग हिस्टेरिकली है इतना आसान तो नहीं है उसने कोई खुशी से तो नहीं अपने भाई को ऐसे उसने एक एक, 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 एक आ, मखसूस किस्म के हालात थे जिसमें उसने ये उससे यह हो गया तो शी इज क्राइंग हिस्टेरिकली मैडली एंड सडनली स्टूब्स शी बेंड्स डाउन एंड पिक्स द ब्रोकन रीथ शी होल्ड्स इट टू हर ब्रेस्ट और जो फूल उसने मंगवाए थे हालांकि तो वो टूट चुके थे लेकिन उसके बावजूद यानी वो पूरा एक हार सा बना हुआ होता है तो वो टूट गया था लेकिन वो फिर भी उसको अपने सीने से लगाती है एंड स्टेयर्स डिस्ट्रैक्टेडली इन फ्रंट ऑफ हर और अपने सामने ऐसे लॉस्ट यानी वो उसका दिमाग यहाँ पर नहीं होता वो देख रही होती है एंड देन शी शी सेज एडी डर आई हैड हैड टू टू आई एडी तो ऐसे जैसे कि वो अपने बेटे से बात करी हो और उसने, और से कह रही हो कि मुझे ऐसा करना था मुझे इस आ, तुम्हारे लिए तुम्हारे जैसे बच्चों के लिए ये जिंदगियां बचाने के लिए ये फ़ैसला करना था और मुझे ये एक्शन करना पड़ा क्योंकि अगर मैं ये ना करती तो फिर एक ऐसा बॉम इजाद होता जिसकी वजह से तुम्हारे जैसे बहुत सारे बच्चे बहुत थोड़े टाइम में बहुत ज़्यादा बच्चे और बहुत बड़ा नुकसान हो जाता तो मुझे वो एक फ़्यूचर को सेव करना था तो इसलिए आ, ये सारा मैंने किया वी आई हैव एंडेड देखिए लिखा हुआ कर्टन कर्टन का मतलब ये है कि अब पर्दा गिरता है जिसको हम कहते हैं ना इ प्ले इज़ ओवर सब कुछ ख़त्म अब इन हम बटे हम नेक्स्ट जो हमारा लास्ट जो मैं इसका करूँगी पार्ट जो पूरे प्ले का लास्ट पार्ट होगा उसमें मैं ओवरऑल डिस्कशन करूंगी इसके क्वेश्चन आंसर्स तो बहुत ज़्यादा हैं वो इसके थ्रू नहीं हो सकेंगे उनको तो मैं आप लोगों को पी के थ्रू भिजवा दूँगी लेकिन जो ओवरऑल इस प्ले के बारे में डिस्कशन है जो इसके अंदर एक थॉट है थीम है उस सारे की डिस्कशन इनशाला मैं नेक्स्ट उसमें करके ताकि उसको हम रैप अप करेंगे सो इनशाला सी यू इन द नेक्स्ट इन द लास्ट पार्ट ऑफ द सेम प्ले वेर वी आर गोइंग टू डिस्कस द ओवरऑल थिंग्स अबाउट दिस प्ले ठीक है अल्लाह हाफिज़